ରାଜ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଛି ପାଗ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହ ଲାଗି ରହିଛି କୋହଲା ପାଗ। ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସୋନପୁର ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସୋନପୁରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। लो लेवल में इस्टालिस में एक ट्रफ लाइन वेस्ट अलॉन्ग वेस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल में हमारा तमिलनाडु टू उड़ीसा तक है, बट अपर लेवल में हमारा रीजन से वेस्टर्ली ट्रफ पास कर रहे हैं, तो इसके बाद उससे ओनली क्लाउडिनेस हमारा उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में है, बट रेनफॉल अगला 24 घंटा में एक दो डिस्ट्रिक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट साउथ उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में होने का चांसेस है। गजपति, गंजाम, कालाहांडी, कंधमाल, उड़ी, कोरापुट, मलकानगिरि, रायगढ़, नवरंगपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक तो जगह में हो सकता है। फिर 24 आवर्स बाद चार दिन हमारा मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा। अनेपटे आसंता 24 घंटा मध्य भुवनेश्वर और संलग्न अंचल में पाग मेघुआ रहा। वर्षा जो राज्य सर्वनिम्न तापमात्रा रे वृद्धि घटी और शीत कमी। राज्य दक्षिण आभ्यंतरीण जिलागुड़िक अधिकांश स्थान में वर्षा जारी रही। 24 का बाद मीन्स आज नाइट का तरह क्लियर होने का चांसेस है। फिर मिनिमम टेम्परेचर अगला 2-3 दिन में 2-3 डिग्री फॉल करने का चांसेस है। अभी भुवनेश्वर सिटी में आज मिनिमम टेम्परेचर हमारा था 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड। भुवनेश्वर एंड से नेबरहुड एरिया में हमारा मेनली पार्टली टू जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा और नाइट टूवर्ड्स नाइट फिर क्लियर होने का चांसेस है। नाइट का तरह क्लियर होने का चांसेस है और कल सुबह मिनिमम टेम्परेचर 19 का आसपास रहने का चांसेस है। तबे दुई दिन परे पूरी समग्र राज्य रे पानी पाग स्वाभाविक अवस्था को फेरबो। पाग सुखिला रहबो और गुळगुळी अनुभूत हेबा नै पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानी पाग विज्ञान केन्द्र। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।